हेलो गाइस, कॉग्निशन में बहुत लोगों का रिजेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली. ओके, तो ये रिजेक्शन क्यों हुआ है इसके बारे में बात करने वाले हैं, और आप क्या गलतियां नहीं करेंगे जिससे कि आपका रिजेक्शन नहीं होगा. ओके, अगर आप ये गलतियां करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप लोग का भी रिजेक्शन हो सकता है. तो आप जानते हैं कि कॉग्निशन मास रिक्रूटर है, बहुत लोगों का रिक्रूट किया है, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं. अगर वो आप फुलफिल नहीं करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है. ओके, तो इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ, उसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको. और अगर आप ये वीडियो को फॉलो करेंगे, देखेंगे अच्छे से, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आप अपना BGP प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और क्या करने से आपका रिजेक्शन नहीं होगा. ओके, तो सबसे पहले रिजेक्शन क्यों हो रहा है कॉग्निशन में अभी. ओके, रिजेक्शन का मेन रीजन हो सकता है आपका परसेंटेज क्राइटेरिया. ओके, बहुत लोगों का कमेंट आया है, फिर बहुत लोगों से मैंने स्नैप्स मांगा है, देखा है, फिर मुझे आइडिया मिला कि हाँ क्या रिजेक्शन का प्रॉपर रीजन क्या है. ओके, तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ. ओके, तो देखिए, रिजेक्शन का पहला क्राइटेरिया आपको फिलअप करना है. ओके, आपको एटलीस्ट 60% का ओवरऑल होना चाहिए. ओके, अगर आपका इतना होता है तो रिजेक्शन नहीं होगा. ओके, सेकेंड बात है कि रिजेक्शन का और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपने टाइम पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स है BGP आपने कंप्लीट नहीं किया है, ना ही आपने टाइम पे अपना एक्सेप्टेंस किया है, फिर ना ही आपने BGP वेरिफिकेशन में टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है. अगर आप डॉक्यूमेंट्स टाइम से अपलोड नहीं करते हैं तो उनका अगर टाइम 1 वीक से ज्यादा हो सकता है तो वो हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे. ओके, ऐसे भी रिजेक्शन होते हैं. ओके, और गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करते हो कॉग्निजेंट को, ओके, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो लोग चेक करते हैं. अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच करता है या फिर कुछ भी क्राइटेरिया फिलअप नहीं होता है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे. ओके, तो कुछ रूल्स हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो आप कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसा अपलोड ना कीजिए जिससे आपका रिजेक्शन होगा. ओके, उनका जो क्राइटेरिया है आपको मिनिमम 60% होना जरूरी है. अगर 60% नहीं होता है तो वो रिजेक्ट करेंगे. सेकेंड है कि आप कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी मत प्रोवाइड कीजिए. आप ट्राई कीजिए कि कलर कॉपी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको कैम स्कैनर के थ्रू आप स्कैन कीजिए. ओके, उसको PDF में कन्वर्ट करके फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, अगर BGP का बात है तो. ओके, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स का अगर सिग्नेचर वो लोग मांग रहे तो आप उसको प्रिंट आउट कॉपी लीजिए, फिर आपको मैनुअली साइन उस पर करना है, फिर आपको अपलोड करना है उस डॉक्यूमेंट्स को. ओके, और दूसरी बात क्या है कि कुछ लोगों ने सब अपने अच्छे से BGP कंप्लीट किया फिर भी उनका रिजेक्शन हो गया. ओके, लास्ट मोमेंट पे क्यों रिजेक्ट हुआ है. ओके, तो देखिए, आपने सब कुछ प्रोसेस किया है डॉक्यूमेंट्स अपने साइड से, तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुका है. कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपने, मान लीजिए कि आपने पैन कार्ड दिया है या कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो आपने ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं दिया है. बहुत लोग ई पैन दे रहे हैं अभी रिसेंटली, बहुत लोगों ने ई पैन अप्लाई किया है ऑनलाइन. ओके, और उनको एक कॉपी मिल गया है, PDF कॉपी जिसको वो अपलोड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो परमानेंट पेन नहीं है. ओके, जब तक उनको इन हैंड पेन नहीं मिल जाता, पेन कार्ड नहीं मिल जाता, तो वो परमानेंट नहीं है. वो बस एक सॉफ्ट कॉपी है जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में यूज हो जाता है. तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके लिए जाके Aquancy पोर्टल पे, या फिर आप जाके क्वेरी रेज कर सकते हैं, तो वो उसका रिप्लाई देंगे आपको कैसे अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है. और डॉक्यूमेंट्स का रिजेक्शन मेन रीजन है आपका रिजेक्शन का. ओके, अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो आप सीरियल वाइज कीजिए. अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो टॉप पे रखिए, सेकेंड का बॉटम पे रखिए, लाइन से आप सीरियल वाइज सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए. अगर आप लाइन से अपलोड करेंगे तो क्या होगा कि वो मैनुअली आराम से आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उनको आइडिया मिल जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना है, फिर वो आप कैलकुलेट करेंगे. फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स का और रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपसे मांगेंगे, बोलेंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए. फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते रहिए, रेगुलर अपडेट देखते रहिए कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है तो आप वो खुद से ही आपको नोटिफाई करेंगे आपके Aquancy पे. Aquancy पे आपको पेंडिंग दिखाएगा या फिर प्रोसेसिंग दिखाएगा. प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आप उसको जाके फिर से रीचेक करके री अपलोड कीजिए, करेक्शन करके. ओके, ऐसे करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं होगा. और ये प्रोसेस आप ट्राई कीजिए, जल्द से जल्द कर दीजिए. मान लीजिए कि आपको एक्सेस मिला है BGP वेरिफिकेशन का 1 वीक का टाइम में, तो आप 1 वीक के अंदर अपलोड कर दीजिए. अगर आप डिले करते हैं तो आपका रिजेक्शन हो सकता है.
अगर आप डिले नहीं करते हैं, अगर आप टाइम से अपलोड कर सकते हैं तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी मत प्रोवाइड कीजिए। ओके, अगर आप ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिजेक्ट करेंगे। पैन कार्ड का भी अगर आपको कॉपी देना है तो आप फोटो स्टिक कीजिए, कैम स्कैनर पे जाइए, उसको स्कैन कीजिए, फिर आप उसको पीडीएफ पे कन्वर्ट कीजिए। टॉप पे आप फर्स्ट पेज रखिए फ्रंट का, बॉटम पे आप सेकंड पेज रखिए जो बैक साइड का है, उसके बाद आप उसको एक पीडीएफ करके सबमिट कर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, अपने मार्कशीट को अपलोड कर रहे हैं तो सीरियल वाइज अपलोड कीजिए। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आप सीरियल वाइज अरेंज करके अपलोड कीजिए। फिर अगर आपसे पीडीसी मांग रहे हैं तो आप पीडीसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए उनको। ठीक है, तो ये करने से आपको रिजेक्शन नहीं होगा। और फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आप अपने साइड से श्योर रहिए कि आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स दिया है। ओके, आपने कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। ओके, और आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है अगर थोड़ा सा मिसमैच करता है तो हो सकता है कि वो आपको कंसिडर कर दे, क्योंकि वो मैनुअली वो लोग देखते हैं कि पर्सन जो है वो कैसा है। ओके, आपका बॉडी लैंग्वेज प्लस आपका वे ऑफ एप्रिसिएशन अप्रोच सब कुछ देखा जाता है। ओके, अगर आप सब कुछ करेक्ट वे पे करते हैं, थोड़ा मिसमैच भी होता है तो वो कंसीडर कर देते हैं। ओके, फिर लेटर ऑन आप वो चाहें तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड। ओके, और ट्रेनिंग के बाद भी आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है 120 डेज। 120 डेज में आप अपना डॉक्यूमेंट्स रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और फिर वो अप्रूव हो जाता है। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस है जो आप जान लीजिए अच्छे से, तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। या फिर आप ऐसे सेम गलतियां करते रहेंगे, टाइम से अपलोड नहीं करेंगे, फिर ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज डालेंगे, फिर आप स्नैप्स करके डाल देंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट देखा है, बहुत सारे स्नैप्स देखा है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं मेन जड़ पे जाना चाहता था, मेन सोर्स पे जाना चाहता था कि क्यों ये डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहा है और क्यों रिजेक्शन आ रहा है आप जैसे स्टूडेंट्स का जो ज्वाइन करना चाहते हैं गवर्नमेंट। ओके, तो ये काफी रिसर्च, काफी इसके बारे में नॉलेज गेदर करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, रिजेक्शन का देखने के बाद, फिर स्नैप्स देखने के बाद क्या रीजन है, प्रॉपर रीजन है कंफर्म करने के बाद ये वीडियो है आपके लिए। ओके, तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। ओके, जो रूल्स है आप रूल्स को फॉलो कीजिए, वैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। आप सोचेंगे कि अगर आप एक्सेप्ट करके रख देते हैं जब चाहेंगे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, आप जो भी हैं आपको रूल्स फॉलो करना होगा कॉग्निजेंट में, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है तो। ओके, अगर आपको 1 वीक में सबमिट करने का टाइम दिया रहा है तो आप 1 वीक के अंदर 5-6 डेज में आप कंप्लीट कर दीजिए। ओके, लास्ट डे का आप वेट बिल्कुल मत कीजिए, अगर आप वेट करेंगे तो फिर आपका रिजेक्शन होगा। ओके, और फिर आप टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट कोई भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग के पहले आपको प्रोवाइड नहीं करती है ये सब डेटा जिससे आप कॉन्टेक्ट कर सके कोई भी एचआर को या फिर मैनेजर को। ओके, तो आप ये गलती मत कीजिए जिससे आपका रिजेक्शन हो, क्योंकि रिजेक्शन होने से फिर आपको दूसरा कंपनीज में ट्राई करना होगा, जरूरी नहीं है कि आप प्लेस हो जाओगे। ओके, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए। ओके, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए जिससे आपका रिजेक्शन हो। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्टली अपलोड कीजिए, ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्शन नहीं होगा। और टाइम से अपलोड कीजिए, मेन है टाइम से अपलोड कीजिए। फोटोज अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो साइज जान लीजिए किस साइज में आपको अपलोड करना है। ओके, वही साइज का फोटोज को अपलोड कीजिए, कि आप अपने आइडिया से जो भी साइज का फोटोज अपलोड नहीं कर सकते हैं। सिग्नेचर भी का एक फॉर्मेट है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ओके, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या साइज के फोटोज आपको अपलोड करना है, बैकग्राउंड क्या होगा। ओके, तो आपको हेल्प कर देगा। फिर आपको एक सैलरी अकाउंट भी होना जरूरी है, वो भी आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ओके, और मेन है आप कैसे अपलोड करते हैं प्री ज्वाइनिंग में, सब स्टेप्स आप कंप्लीट कीजिए, फिर जाके आपको D1 होगा, D1 में वो ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होगा। क्योंकि अगर आप ये सब प्रोसेस नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ये 3 फेज आपको कंप्लीट करना होगा कॉग्निजेंट में, तो ही आपको ऑनबोर्डिंग पास मिलेगा। ओके, तो बहुत लोगों का रिजेक्शन उसके पहले ही हो जा रहा है, रीजन यही है, सिंपल रीजन।
कि आप टाइम से कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग टाइम से कर भी रहे हैं तो करेक्ट वे से अपलोड नहीं कर रहे। ओके, करेक्ट वे से आप अपलोड कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, सीरियल वाइज अपलोड कीजिए, जो वो मांग रहे हैं आप उसको वही डे में प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो मांगे हैं आपको फर्स्ट डे में, आप 3 डेज के बाद वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। ओके, मांग रहे हैं आप चेक में डेली चेक कीजिए, डे आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स आप चेक करते रहिए रेगुलर, जो मांग रहे हैं आप उसको अपलोड कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और फॉर्मेट सही होना चाहिए आपका अपलोड करने का। ओके, आप क्लियर अपलोड कीजिए, क्लियर अपलोड नहीं होगा तो उनको स्कैन करने में या देखने में प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आप रिजेक्शन पे चले जाएंगे। ओके, या फिर पेंडिंग में हो जाएगा, फिर आपका डिले हो जाएगा ऑनबोर्डिंग पास सिलेक्ट होने में। ओके, तो ज्वाइनिंग बहुत लोगों का आने वाला है, होने वाला है यही मंथ में, तो आप ये वीडियो को फॉलो करके आइडिया लगा लीजिएगा कि कौन सा अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, और सीरियल वाइज कीजिए। ओके, फॉर्मेट को चेंज बिल्कुल मत कीजिए, सीरियल वाइज अरेंज करके कीजिए। ओके, क्लियर कीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी बिल्कुल मत कीजिए। ओके, टाइम से अपलोड कीजिए, परसेंटेज क्राइटेरिया देख के अपलोड कीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है, कोई पीडीसी नहीं मिला है, तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, कॉमेंट पे टाइप करके उनको बताइए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हुआ है। ओके, और कब तक रिसीव होगा उसका टाइम दीजिए। अगर आपने आपका गैपिंग है एटलीस्ट 2 ईयर्स तो वो लोग कंसीडर कर देंगे, अगर 2 ईयर्स से ज्यादा है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो मैक्सिमम आप 2 ईयर्स एक्सेप्ट हो जाता है कॉग्निजेंट में। तो अगर आपको लगता है कि आपका आपने इंजीनियरिंग या फिर आपने 5 ईयर्स में कंप्लीट किया है, 4 ईयर्स का इंजीनियरिंग आपने 5 ईयर्स में किया है, ओके, तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि आप इलिजिबल हैं इसके लिए, अगर आपका परसेंटेज इनफ है तो। ओके, परसेंटेज कम है और अगर आप 4 या 5 ईयर्स या 6 ईयर्स में किए हैं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैक्स आपको स्टार्टिंग से लेके 10th के बाद से लेके आपको इंजीनियरिंग तक मैक्सिमम 2 ईयर्स का गैपिंग अलाउड है। ओके, तो अलाउड है तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, आप जानिए कि कैसे आपको अपलोड करना है। ओके, और स्कैन कॉपी अपलोड कीजिए और आप ई पेन ओरिजिनल ट्राई कीजिए अपलोड करने के लिए। अगर आपको ओरिजिनल नहीं होता है, आपके पास स्कैन कॉपी है या फिर आपने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है ई पेन से, तो आप बस डाउन पोर्शन जो है ई पेन के, जहां आपको फ्रंट साइड या बैक साइड है, वो फ्रंट साइड बैक साइड को अच्छे से एक पीडीएफ को क्रॉप कीजिए, उसके बाद फ्रंट को टॉप पे ले जाइए और बैक का पोर्शन को बॉटम पे ले जाइए, एक पीडीएफ उसको बनाइए, सही फॉर्मेट में बनाइए, अरेंज करके बनाइए। ओके, उसके बाद आप उसको जाके बीजेपी पे अपलोड कीजिए। ओके, ऐसे करेंगे तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स, बस आपको ये करेक्ट वे से अपलोड करना है। ओके, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कमेंट कीजिए उनको, बोलिए कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मुझे इतने देश की टाइम चाहिए, मैं ये डॉक्यूमेंट्स मुझे एक्सेप्ट हो जाएगा तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, ये ऐसे आप करेंगे तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। ओके, और टाइम से कीजिए, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, टाइम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए और रेगुलर आप देखते रहिए ये सब। ओके, तो ये करने से आपको रिजेक्शन बिल्कुल नहीं होगा और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने कमेंट देखा है, बहुत लोगों का मैसेज भी आया है कि भाई मेरा रिजेक्शन हो गया, भाई परसेंटेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ओके, तो आप ये जानिए कि क्या आप गलतियां नहीं करेंगे या फिर कैसे आपको अपलोड करना है सही तरीके से। अगर आप ये गलतियां दोबारा करेंगे तो फिर आपका रिजेक्शन होगा। ओके, और रिजेक्शन हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास रिक्रूटर का कुछ है तो आप उनको मेल कर सकते हैं, अगर आपका रिलेशन अच्छा हुआ तो हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई कर दे, पर मोस्टली वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं अगर आपका रिजेक्शन हो गया तो। ओके, तो रिजेक्शन के पहले आप ये सब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको केयरफुली करेंगे तो आपका रिजेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो सही वे से आप अपलोड कीजिए, सही टाइप से अपलोड कीजिए, सही डेटा से आप अपलोड कीजिए, कोई भी रॉन्ग डेटा फिल मत कीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम दीजिए, अगर कॉलेज का नाम है कॉलेज का नाम दीजिए। ओके, जो डेट है डेट सही मेंशन कीजिए, किस ईयर से किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है, फिर कैसे आप कौन कौन से स्ट्रीम से थे, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स थे, वो सब कुछ अरेंज करके आप अपलोड कीजिए। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं सही से दीजिए तो वो अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो ये वीडियो आपके लिए था, और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट्स, और कैसे आप करेंगे तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।